नमस्कार दोस्तों, अभी हमें अजमेर में और ये ओम सिरोही गोट फार्म है, जैसा कि इनका जो फार्म है जनाना हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही है, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं आज इनसे बात करने वाला हूँ। खास करके जो हमारे ख़रीदार बकरी ख़रीदने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर आकर तकलीफ़ में रहते हैं, तो जो एक बेचने वाला है वो बदनाम होता है, ख़रीदने वाला भी बदनाम होता है, और जो जिस चैनल पर वो देख रहे होते हैं वो चीज़ वो भी बदनाम हो जाता है। ऑनलाइन पेमेंट को लेकर, बकरी सही नाम मिलने पर लेकर, है ना, क्वालिटी ना मिलने के ऊपर बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उन्हीं सवालों से मैं आज थोड़ा सा एक जो बेचने वाला है, जो एक ट्रेडिंग का काम कर रहा है और वो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो उसकी क्या राय है, वो यहाँ बैठे बैठे क्या महसूस करता है, उसके बारे में हमें आपको एक संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं ओम सिरोही गोट फार्म के ओनर से, उनकी क्या राय है, ख़रीददारों के लिए क्या संदेश है, उनसे आपको दिलवाते हैं। तो स्वागत है साहब हमारे चैनल पर आपका। जी हरीश जी, आपका भी हमारे फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने सुना मैंने जो बातें करी जी, तो क्या आपको लगता है, आप इतने दिनों से काम कर रहे हो, आप ये मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग का जो काम हो गया वो बिल्कुल खतरे का काम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मुझे लगता है कि यहाँ पे काम बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बाहर से बिलोंग करता हूँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वो चीज़ नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, ना विश्वास रहा ना लोगों पे भरोसा रहा। बिल्कुल, क्या कारण रहा उसका, ये थोड़ा सा बताइए। ये है कि देखो हरीश जी, गलती दोनों तरफ से, ना ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों तरफ से बजती है। कहीं ना कहीं जितना गुनहगार जो बेचने वाला है, हाँ, उससे ज़्यादा लेने वाला भी, उसको भी तो ये सच है कि भाई जो चीज़ है वो जैसे बिक रही है, अगर कोई कम में दे रहा है तो लालच तो देखो, आप मैं वो 5 रुपये कम है वहाँ ग्राहक ज़्यादा जल्दी जाएगा, लेकिन वही 5 रुपये उसको फिरा के 15 रुपये तेज़ पड़ रहे हैं तो वो फिर उसके लिए गलत हो रहा है। यानी कि वो जो चीज़ मिल रही है उसको अरूबरू हो, और जैसे कि भाई अपन को जैसे अभी बकरे हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपकी रेट ज़्यादा है, तो वो कम रेट पे भी मेरे को जैसे पूछते हैं कि भाई आप रेट बता दो, ये रेट हैं, तो मेरी रेट को पूछते ही कहते हैं नहीं यार, ये तो आप मतलब आपके उधर तो बहुत कम वाली रेट में भी मिल रहा है, तो वो कम वाली रेट वाला कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, तो आप भी तो जो ले रहे हो वो भी तो गुनहगार है ना। जैसे अभी सोजत का रेट चल रहा है यहाँ सारे बाज़ार में 350, अब कोई इसको 300 रुपये दे रहा है, तो वो फिर समझो कि अगले को भी तो समझना चाहिए ना कि भाई सारे जिस जो रेट है उसमें नहीं दे रहा है, फिर कम दे रहा है, तो वो फिर आपके साथ धोखाधड़ी का सौदा हो जाएगा। गुनहगार खरीदने वाला भी है, 5 रुपये पार्ले जी बिस्कुट मिल रहा है, उसको अगर कोई कहीं ऑल ओवर इंडिया में 4 रुपये का बेच रहा है, तो फिर वो 5 रुपये का नहीं पड़ेगा, आपको 6 रुपये का पड़ेगा। अच्छा, ये वाली बात जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी जिनके तक ये हमारी आवाज़ जा रही है, बिल्कुल भाई ने कहा कि जैसे दोनों हाथ से ताली बजती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा आपने आपने अगर प्लान किया ही है काम करने के लिए, बकरी पालन में आप काम करना ही चाहते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पूंजी लगा रहे हैं, और पिछले 3 सालों से तो मैं लगातार वीडियोज़ के रूप में बकरी पालन से जुड़ा ही हूँ, और बहुत सारे व्यूवर्स और दर्शक हैं ऐसे जो मेरे चैनल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो श्रोता हैं, जो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, अगर उसमें आना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये ऑनलाइन पेमेंट से ज़रूर बचें, आएँ बैठें, बैठ के बात करें, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर बात आ जाती है कि यार इसने ऐसा कर दिया, इससे ऐसा हो गया, फिर वो उसकी वजह से पूरा माहौल ही ख़राब चल रहा है। हाँ, पूरे जैसे बदनाम तो सारे ही होते हैं सर, एक ने किया हो तो अगर अजमेर का नाम तो फिर सारों का ही नाम खराब होगा ना, अगर एक ने गलत कर दिया तो फिर सारों का नाम खराब है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो पहले ख़रीदने से पहले आप पूरी डिटेल जाने कि वो कब से क्या कर रहा है,
क्या नहीं कर रहा है, आपने बस रेट कम कर दिया, आँख मीच के उसके टोकन डाल दिया, ये डाल दिया, ये वो कर दिया, तो फिर वो क्या है कि उस रेट में माल उनको पहुंच नहीं पाता है, ये वो खरीद नहीं पाते, जो उनको चीज़ मिलनी थी वो फिर मिलती नहीं है उस रेट में, क्योंकि फिर हम भी बैठे हैं। कुछ कुछ बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं, ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए परंतु बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अब मैं नहीं बोलूँगा तो वो फिर उंगली मेरे ऊपर भी आ रही है। बिल्कुल, यूट्यूबर भी कह रहे हैं कि भाई आप ये क्यों बनाते हो, अब आपको थोड़ी पता है कि भाई किसका क्या करना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो पहले उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो देखे आप, और जो उनका जो करंट अकाउंट जिसके आप जहाँ पैसे जमा करा रहे वो देखे, कम रेट में आप जैसे कुछ लोगों के जो कमीशन पे हैं बेंच वाले हैं उनको आप पेमेंट डालते हो तो वो भी आप बचे, रेट तो कम मिल जाएगी आपको लेकिन फिर वो माल नहीं मिल पाएगा वैसा। अच्छा, जैसे अभी अब मेरी मैं रेट बता रहा हूँ, जैसे ये बकरी जो है अभी रेट बता दूँ आपकी, इसकी जो जो किसान की जो रेट है वो वाकई आप जाओगे तो वो 25,000, 20,000, 15,000 मांगेगा। क्यों मांगेगा? क्योंकि वो आपको एक मतलब बिल्कुल सही माल दे रहा है, सही की चीज़ की कीमत यही है, ये बिल्कुल ब्याएगी, बच्चा देगी। अब जो कम रेट वाली चीज़ें हैं जो कस्टमर उसको जो किसान अपने घर से निकाल रहा है, या तो फिर वो बच्चा नहीं देगी या फिर उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी, ऐसी बकरियां फिर आप लोगों को मिल जाती है। वो रेट अगर सही ले रहे हो, सही रेट पे हो, 10-20 रुपए ज़्यादा मत देखो, सही लोगों के, और उसका रजिस्ट्रेशन देखो है या नहीं है पहले, और फिर उसके बाद उसकी उम्र देखो, फिर आप पैसा डालो। और फिर अगर काम ही आपको अच्छा करना आपने सोचा ही है तो किसानों तक पहुंचो ना। बिल्कुल, किसानों बिल्कुल। तक अगर आप डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हो तो किसी ऐसे बंदे को पकड़ो कि वो आपको लेके जाए, जंगल लेके जाए, दिखाए घुमाए, तो एक तरीका बनता है। अब आपने महाराष्ट्र से देखा ना, आप केरला कर्नाटका तक के आपके यहाँ कस्टमर आते हो? बिल्कुल आते हैं सर, यूपी बिहार ऑल ओवर इंडिया से कोई भी बैठ के किसी भी कोने से अगर वो मैसेज कर रहा है मुझे ये बकरा चाहिए, ये बकरी चाहिए है, ठीक है आइए देखिए, आपको अगर लॉट ही बनाना है तो बिल्कुल आओ ना, आप बैठो क्यों वहाँ पे, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने 10,000-20,000 रुपये डाल दिए, देख के तो बताओ। मैं मेरे नहीं 10,000-20,000 डाल दिए और फिर उसमें बात आ जाती है कि यार वो 20,000 रुपये लेकर बैठ गया है, तो एक तरीके से मतलब समझो कि आप वो फंसा ऐसे है कि वो माल भी नहीं दे पा रहा है, आपका काम भी नहीं कर पा रहा है। तो क्या है कि कुछ लोग जैसे कमीशन पे काम करने वाले होते हैं उनको बता दिया जाता है कि भाई ये रेट पे ये ले लो, फिर वो जानते तो है नहीं ले लेते। अब मेरा क्या सिद्धांत है कि मैं मेरे हर व्यूवर्स को मैं वीडियो कॉल करके पहले माल दिखाता हूँ, और अपना तो काफ़ी पुराना भी है, खैर सब लोग जानते भी हैं, क्योंकि देखो जो कटिंग जो परपन से माल खरीदते हैं उनकी रेट 250-260 अगर मेल मेल ले तो 260 है। अब जब आप सोचो अगर 260 से कोई कम दे रहा है कटिंग का माल, तो फिर हम यहाँ दुकानदार को ही भेज देंगे ना, 650-600 यहाँ मीट बिक रहा है। अगर कोई फिर उससे रेट कम दे रहा है तो फिर वो आपको साफ दिखाई देना चाहिए कि भाई धोखाधड़ी होगी हमारे साथ, फिर 230-240 में तो हमारा यहाँ पड़ा माल ही दे देते हैं ना उनको, तो ये भी आपको जाँच रखनी चाहिए, ये भी आपको जाँच रखनी चाहिए उसमें, ये भी जांच रखनी चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ को लोग जब बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो 2-3-4 बार चेक करते हैं, चेक करते हैं है ना। अगर हम बात करें कि यार आप कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो, 10-50 रुपए की चीज़ में आप दुकानदार से बहस कर जाते हो, यहाँ पे आप लाखों का सौदा कर रहे हो और आप सामने मिले नहीं हो, आपने टोकन डाल दिया, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, आपने देखा कुछ नहीं, तो गलत है ना। आप ख़रीदार हैं तो आइए विजिट करिए, मिलिए लोगों से, आप तब कहीं जाके सौदे की बात करिए कि चीज़ पसंद आएगी तब ना आप सौदा करेंगे। नहीं, क्या है कि कुछ लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती भाई क्या है, वो जो नए लोग हैं वो उलझ जाते हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है कि भाई कि ये रेट चल रही है, या जो इसका जो मीट परपन से भी खरीदो अपन तो भी इस रेट में, अगर पहले दुकानदार को देगा अपन को ये रेट में कम क्यों दे रहा है, वहाँ तो अंदाज़ा लगाना चाहिए ना। तो काफ़ी लोग जो जानकार है, जो उनका अदर बिजनेस होता है फिर वो ये करना चाहते, तो वो लोग क्या उलझ जाते हैं, ये सिस्टम होता है उनमें। तो बिल्कुल वो क्या कि जैसे मेरी 250 रेट है या 280 है, वो क्या करेगा उसको 230-240 में जहाँ मिला वो वहाँ पहले जाएगा,
और ये भी सत्य है कि जहाँ 5 रुपए का अपन को फायदा है वहाँ अपन पहले जाएंगे, लेकिन वो लालच है ना वो गलत करवाता आदमी से। तो कस्टमर भी जो खरीदने वाले हैं उनकी ये गलती होती है कि 10-20 रुपए को देखते हुए वो कहीं उलझ जाते हैं, क्योंकि वो तो जानकार नहीं होते, उनको पता नहीं होता है कि क्या रेट है क्या नहीं है। बस वो ये सोचते हैं कि भाई 20 रुपए फ़ायदा वहाँ से ले लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि माल भी नहीं मिल रहा टाइम पे, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, जो माल जो उन्होंने बताया वो माल नहीं मिल पा रहा। इससे क्या है कि लाखों रुपए का नुकसान होने से आपका बच जाएगा। सही व्यक्ति से जाओ, उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है वो देखो, आदमी अपन किसके जमा करा रहे हैं, वो बालिक है या ना, ये सारी सिस्टम देखते हुए आप जमा कराओ। क्योंकि फिर ये दिक्कतें क्या है कि पूरा बदनाम होता है, एक की वजह से पूरा राजस्थान अजमेर जो है वो बर्बाद होता है। अच्छा, तो दर्शकों मेरी भी यही अपील है, तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा था कि एक बार विजिट ज़रूर करिएगा, देखिएगा माल बहुत अच्छे से देखें आप, है ना, और आदमी को भी परखें, तब जाके आप सौदा करें। ऐसा नहीं कि आपने उठाया 10,000-20,000 टोकन डाल दिया, फंस गए, अब वो ना माल ही दे पा रहा है ना आप उसे ले पा रहे हो, है ना। तो ये मिसकम्युनिकेशन ना करें, आप आएँ बिल्कुल आप रखें। आजकल तो ये भी शिकायत आ रही है कि यार सिम ही तोड़कर फेंक दिया जा रहा है, 20,000-30,000 किसी में डलवा दिया वो सिम तोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जिसकी लिंक है वो तो निकलवा लेता है पैसा। तो बिल्कुल आप ख़रीदारी करते समय इस बात का ध्यान रखें और लालच ना करें, मेरी भी यही गुजारिश है, लालच में नहीं रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब होता क्या है कि कहीं भी अपन चले जाएं तो 5 रुपए के लिए जाहिर सी बात है 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर उधर से अगर आदमी आ रहा है तो वो 5 रुपए भी फ़ायदा हुआ तो उसको जैसे सोनंग ले रहा तो बड़ा फ़ायदा है। अब 10-20 रुपए के लालच में तो वो जाहिर सी बात है आज अपन को भी कम मिल रही है, पहले हम वहाँ जाएंगे। तो आप वहाँ माल देखे, देखने के बाद जो भरा रहे वही चीज़ आपको वहाँ थोड़ा देखो कि भाई क्या माहौल है क्या नहीं है, फिर उसके बाद आप एक बार आके ही जमा कराए, और जो है जो रेट चल रही है वो रेट पे ही देखे आप। जैसे अभी कुर्बानी का माल है, काफ़ी लोग मेरी रेट सुनते ही वो अचंभा करते हैं कि यार ये रेट तो वहाँ चल ही नहीं रही है। तो फिर जो किसान नहीं दे रहा है, अभी 25 रुपये किलो हरी पत्ती है, एक दिन का बकरे का खर्चा यहाँ राजस्थान में 150 रुपये है, अब 300-350 रुपये बड़े बकरों की अभी रेट चल रही है। तो फिर काफ़ी लोग जो है वो 270-260 भी मुझे बता रहे हैं कि भाई ये रेट चल रही है, तो फिर वो कहाँ से दे देगा? जब किसान नहीं दे पा रहा है तो वो कहाँ से आपको देगा? ये भी तो उनको करना चाहिए ना कि भाई देखना चाहिए कि भाई 300 रुपये बड़े बकरों की अभी रेट चल रही है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो मेरी रेट सुनते हैं यार ये तो भाव ही नहीं है, 250, मैं 250 में छोटे बच्चे नहीं देता ये, क्योंकि हमारे यहाँ 550 रुपये के जी या 600 रुपये के जी पालवे का मीट बिक जाता है भाई, तो हम पड़ा बकरा भी देंगे तो वो वहाँ बिक जाता है। अब आप यहाँ लेके जा रहे हो तो आपको मैं स्वस्थ और ताज़ा माल इस रेट में कैसे दे दूँगा, 250-260 में कैसे दे पाऊँगा? क्योंकि इस वजह से जो जिन्हें असली जो हकदार है जो धंधा करने वाले हैं वो लोग क्या निकल जाएंगे धीरे धीरे, बाकी फिर यही रह जाएगा, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा बिजनेस से, 2 रुपये नहीं मिलेंगे तो फिर वो कैसे अपनी चला पाएंगे। तो क्या कि धीरे धीरे जो सही लोग हैं वो इस बिजनेस से निकल जाएंगे और फिर यहाँ का जो सारा है कि ख़त्म हो जाएगा, फिर वही लोग मिलेंगे आपको जो सस्ते वाले में, बाकी जो समझदार है क्योंकि उनको रेट नहीं मिल पा रही है ना, सही आदमी नहीं रेट मिला तो फिर उसको मजबूरन धंधा बंद करना पड़ेगा और फिर वो सही लोग तो निकल जाएंगे धीरे धीरे और अदर बिजनेस करेंगे, फिर इस बिजनेस में है ना जो सही लोग ढूंढने को नहीं मिलेंगे आपको। मेरी तो यही राय है, फिर जो जिसकी जैसी इच्छा। बिल्कुल, और बकरी पालन थोड़ा सा पेशेंस का काम है, तुरंत पे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, इस बात को ध्यान रखते हुए ही इस बिज़नेस में आए। ऐसा ना हो कि आपने सोचा हो कि 6 महीने में मैं लखपति बन जाऊंगा तो 25 बकरियां पाल नहीं बन पाएगा जी ना, जब तक खुद मेहनत नहीं करेगा इनके टीकाकरण में सारा। जैसे अभी अपना क्या शेड्यूल है कि सारा समझा के भेजते हैं कब क्या लगता है, अब वो उनको पता ही नहीं है, बस रेट 10-20 रुपये कम के ग्राहक वहाँ चला जाता है। अरे यहाँ पहले समझो फार्म पे आके भाई कितने क्या टीके लगाते हैं, कब क्या लगाना चाहिए, इनको यहाँ से ले जाते वक्त कितने दूर रुकना पड़ता है। तो ये क्या कि धीरे धीरे अपन पता चलता है कि जो गाड़ी वाला है उसको रेट भी कम दे रहे हैं तो वो बेचारा बिना स्टॉपेज के ले गया तो 2-3 रास्ते में बीच में मर गए, तो
ऐसा है कि जो नई जानकार उन गाड़ियों में माल मत डालो, जो केपीसीटी है गाड़ी की उसमें माल डालो। इन चीज़ का ख्याल रख के ही आप आगे पहुंच पाओगे। बस पैसा लगा दिया, आदमी छोड़ दिया, तो उससे काम नहीं बनेगा। बिल्कुल दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।